वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ सेक्सिज्म के बारे में जो मैंने यहाँ पे फेस करा जो एक्सपीरियंस करा मैंने यूके में आके इंडिया में भी और इस वीडियो से अगर एक भी एक भी बंदे ने इससे कुछ सीखा है ना एक भी बंदे ने सिर्फ एक बंदे ने कुछ सीखा है ना तो मैंने अपने से अलग एक और बंदे को एजुकेट करा है इसके बारे में और मेरे को उससे खुशी होगी कि अगर एक भी बंदा एक भी बंदा उससे सीखे ठीक है सिर्फ एक बंदा मेरे से अलग ठीक है ओके हेलो एवरीवन तो मैं यहाँ पे कुछ सीरियस बात कर रहे हूँ तो विच जो कि मेरे को बहुत स्ट्रांग जिसके बारे में फील कर रहा था बहुत स्ट्रांगली फीलिंग अबाउट दिस टॉपिक विच इज सेक्सिज्म एंड

वो उनसे बात करी थी मेरे जो दादा हैं ग्रैंड फादर है वो बहुत बड़े हो गए हैं मतलब बड़े मतलब कि नाइन्टी वन नाइनटी टू ईर्स ऑफ एज उनकी है तो वो भी थोड़ी बचकानी वाली बातें करते हैं ऐसा करके तो विच इज़ वेरी क्यूट श्यू टेलिंग मी के बड़ी हंसी आती है उनकी बातों पे तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि मम्मी कहती कि Uh, कितना काम करना पड़ता है काम है काम है काम है बट ही uh, उन्होंने कहा कि काम करना जरूरी है क्या तो उन्होंने कहा काम करना जरूरी है क्या तो मेरी मम्मी हंसी के क्या कह रहे हो <laughs> तो ओबियसली uh, ये क्या कह रहे हो आप मेरी मम्मी पहले से ही काम करती आ रही हैं हमारी फैमिली में भी और इंडिया में भी और यहाँ पर भी सब फीमेल्स को कहा जाता है कि घर के काम संभालो ठीक है जो कि ठीक है इट्स फाइन के लड़कियां भी घर का काम करती हैं लड़के भी कर सकते हैं यू नहीं कह रहा मैम कि लड़की को ही कहना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा पर ठीक है वो करती है आ रही हैं क्योंकि ना और कोई और कोई स्किलफुल जॉब नहीं कर सकती तो शी घर को संभालना भी एक बड़ा टास्क है ठीक है तो कहती कि मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा तो ऐसा करके तो शी वॉज लाफिंग आज क्या कह दिया और मेरे जो घर का काम करती हैं तो आज कैसे कह दिया ये कह कह रहे हैं ठीक है तो मेरे दादा बहुत अच्छी तरह बात करते हैं सभी से तो मेरे दादा वैसे तू करके मेरी मम्मी से बात करते हैं तू करके छोटी हैं उम्र में तो तू करके बात करते हैं हमारे यहाँ पे तो मेरी मम्मी से कहा कि आपने खाना खा लिया मेरी मम्मी से दादा पुछा आपने खाना खा लिया मोम वॉज वेरी हैप्पी एंड वे वॉज लाफिंग के uh, कितने समझदार हैं मेरे से कह रही थी कि देख दादा पढ़े लिखे हैं बाबा पढ़े लिखे हैं और आप करके बात कर रहे हैं मेरे से शी वॉज वेरी हैप्पी शी वॉज के ऐसा तमीज से बात करना तमीज से तो बात करते ही हैं बाकी आप लगा देते हैं तो इट्स लाइक मोर रिस्पेक्ट ठीक है आप क्या कर रहे हो आप ऐसे करके तो ऐसा उनको फील हुआ ठीक है ठीक है जो कि ऐसा नॉर्मल नहीं है नॉर्मल नहीं है इतना ठीक है फीमेल्स को यू नहीं कहा जाता घर पे कि नहीं करना तो मत करो किसी को तो करना पड़ेगा ही ठीक है तो ऐसा चलता आ रहा है कि मेल्स ही ज्यादातर घर संभालते हैं अब तो लड़कियां पढ़ रही हैं जॉब्स कर रही हैं तो अब सिचुएशन इज डिफरेंट दोनों घर का काम करते हैं पर पहले से ऐसे चलता आ रहा है ठीक है अभी भी ये चीज फॉलो होती है इवन इन यूके यूके को आप बहुत ज्यादा बड़ा मत समझिए यूके यूएसए अफ्रीका यहाँ पे हर जगह पे सेक्सिज्म है बहुत ज्यादा ठीक है इनमें से किसी को नहीं पता कि कैसे uh, एक लड़की के साथ लड़की को इज्जत देनी चाहिए कैसे इक्वलिटी मेंटेन करनी चाहिए वरना फेमिनिस्ट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं इस दुनिया में ठीक है ये बाहर से कॉन्सेप्ट आया इंडिया में भी था कि इक्वालिटी आए भार भी है यहाँ पर बीएसआर है सारी पर है फेम फेमिनिस्ट यही कहते हैं कि इक्वलिटी मिले तो आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट पर मैं ये बात करूँगा कि इक्वलिटी सबको मिलनी चाहिए ठीक है लड़के को मिलती है तो औरत को भी मिलनी चाहिए है तुम इतने ज़्यादा सक्सेस्ट हो यहाँ पे ठीक है यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे यूके है ना बहुत ज़्यादा पढ़े पढ़े लिखे लोग आते हैं बहुत पढ़े लिखे पढ़ने के बाद लोग आते हैं यहाँ पे है ना तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ दो फ्रेंड के साथ सॉरी तीन फ्रेंड थी हम हाँ। तीन फ्रेंड के साथ हम एक क्लब में गए थे रात का टाइम तो बारह बज रहे थे ठीक है तो वहाँ पे बॉलीवुड नाइट थी ऐसा हिंदी गाने चल रहे थे बॉलीवुड के तो यू ऑल वर इन्जॉइंग एक लड़का नशेड़ी फ्रॉम साउथ साइड का कोई था इंडिया का ही था पर ठीक है तो वो आया नशे में था और ऐसे ऐसे डांस करते करते और मेरी एक फ्रेंड को उसने चेस्ट पे प्रेस करा और वैसे नाचता अच्छा गया कि ये बहुत कॉमन सी चीज हो तो मैंने ये देखा मेरी आंखों के सामने मैंने धक्का दिया उसे तेज और लग कि हुआ क्या मतलब यूज ऐसा के हुआ क्या है जैसे कोई छोटी सी बात हो ठीक है इतने में बाकी सारे लोग हो गए बीच में हमारे के आगे कुछ ना हो ऐसा नहीं था मैं उसे मार नहीं सकता था मैं मार सकता था इतना दूर नहीं था वो पर आए वो अफ्रेड के नया नई जगह पे आया हूँ और पुलिस का अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं बहुत लोन लेके आया हूँ और आई कान टेक दिस बट मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा ये कि एक, एक इंडियन ने एक इंडियन के साथ इंडियन फीमेल के साथ ऐसे करा ठीक है और लोग कहते हैं तो नशे में था कोई बात नहीं मैंने औरों को बताया ना जो कहते कोई बात 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 नहीं छोड़ इस बात को छोड़ इस इस को को भाई क्यों छोड़ू मैं इस बात को। गलत तो गलत है, है। तुम्हारी बहन के साथ होगा तब तुम खड़े होके बोलोगे तेरी बहन के साथ अगर कोई करेगा तुम्हारी माँ के साथ ऐसे कोई करेगा तब तुम जाके बोलोगे टोल तो द इंडियंस है फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इंडियंस के साथ बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे ठीक है जो जो पूरे इंडिया से जहाँ से हो तुम दिल्ली से गुड़गांव से मैं गुड़गांव से हूँ दिल्ली से गुड़गांव से राजस्थान से साउथ साइड से हैदराबाद से केरला से ठीक है जहाँ से भी हो तुम तुम्हें तमीज नहीं है लड़की से कैसे बात करते हैं लड़की से कैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं यू डोंट नो और तुम्हें गुस्सा आता है कि तुम्हारी बहन के साथ जब कोई ऐसा करता है, है ना बहुत गुस्सा आता है पर दूसरों के साथ तुम्हें फर्क नहीं पड़ता यू ट्रीट गर्ल्स लाइक ऑब्जेक्ट तुम्हें प्लीज uh, करने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स हो लड़कियां तुम्हें तुम्हें एक समान दिखती हैं जो बस तुम्हें मजे के लिए जो तुम समझते हो इस एक्सिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जैसे कि uh, मैं अपनी फ्रेंड के साथ दो फ्रेंड के साथ फ्लैटमेट्स थी ठीक है तो वहाँ जा रहे थे क्या बोलते हैं मैकडोनल्ड्स पे टेक अवे ऑर्डर करा था तो हम उसे कलेक्ट करने जा रहे थे वहीं पे बीच में से गाड़ी लेके गाड़ी से लड़के जा रहे थे एंड देवर लाइक आई कैन फक यू बेटर बेबी प्लीज ट्रस्ट मी ऐसा करके वो गाना गाते जा रहे थे ठीक है वर्बल हरासमेंट जो कि बहुत बुरा लगा मुझे कि ये ऐसा हो रहा है ठीक है एंड दीज थिंग्स आर वेरी न्यू टू मी कि मेरे साथ मैं पहली बार इस चीज को एनकाउंटर कर रहा था कि हो क्या रहा है ठीक है लड़के के साथ ऐसा नहीं होता है लड़का यहाँ बाहर निकलता है एक बजे दो बजे लड़के के साथ ऐसा नहीं होता पर लड़की के साथ होता है ये इक्वालिटी है क्या तुमने सेफ फील करवाया अपनी बहनों को या वाइफ्स को या अपनी आ, मदर्स को तुम सेफ फील करवा रहे हो बीइंग मेल कि मे, ज्यादातर हेरासमेंट आदमी करता है नहीं कह रहा औरत नहीं करती है फीमेल्स भी करती हैं ज्यादातर हेरासमेंट्स आदमी करता है ज्यादातर हेरासमेंट होती हैं औरत के साथ ठीक है आदमी करता है औरत के साथ होती है तो जो कि बहुत ज्यादा बुरी बात है एक और बारी मेरी एक फ्रेंड है जो यहाँ पे काम करती है रेस्टोरेंट में इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है बहुत सारे उसमें से एक इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो ब्रिटिशर्स है। मतलब ब्रिटिश इंडियन है मतलब वो यहीं पे पैदा हुए हैं यहीं पे बड़े पले बड़े हुए हैं यहीं के कल्चर के साथ एंड देवर टॉकिंग शिट उस लड़की के सामने वो आपस में मजाक कर रहे थे किसी चीज के बारे में वो लड़की समझ नहीं पाती बिकॉज इट वॉज डबल मीनिंग ठीक है लड़के समझ पाते हैं कि वो क्या बात हो चल रही है बट लड़की समझ नहीं पा रही थी पर वो उसके साथ मजाक कर रहे थे लाफिंग लाफिंग जिसको वो मैस्कानिटी uh, बोलते हैं आदमी है मजाक कर रहे हैं आदमी वाला मजाक कर रहे हैं उस लड़की को कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है और वो उसका मजाक कर रहे थे और गंदे वाला आई वॉज देयर मैं सुन रहा था और बेकार मजाक कर रहे थे बहुत गंदा मजाक कर रहे थे जो कि एक वर्क प्लेस पे नहीं होना चाहिए ये वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा होता है लड़की की आवाज़ दबाई जाती है ज़्यादा बोला जाता है कि लड़के ज़्यादा बोलते हैं लड़के ज़्यादा रूल करते हैं यहाँ पे बहुत जगह देखने को मिलेगा बहुत सारी जगह पे लड़कियों को ये कहा जाता है कि तुम इंडिया में भी यहाँ यहाँ पर नहीं बता इंडिया में इंडिया में ये कहा जाता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनो और रात में मत निकलो यहाँ पे बोला जाता है रात में मत निकलो छोटे कपड़े पहनना तो यहाँ पे एक कल्चर है तो यहाँ पे कहा जाता है रात में मत निकलो इंडिया में कहा जाता है रात में मत निकलो छोटे कपड़े मत पहनो और मैं इन सब चीज़ों के साथ हूँ ठीक है आई मीन सपोर्ट मैं उन पेरेंट्स के सपोर्ट में हूँ जो कहते हैं अपनी लड़कियों को छोटे कपड़े मत पहनो इसलिए सपोर्ट में हूँ क्योंकि उनको डर लगता है क्योंकि बाहर हमने माहौल ऐसा बना रखा है और मैं उनके अगेंस्ट इसलिए हूं क्योंकि उन्होंने अपने बेटों को कुछ नहीं सिखाया है जो बड़े हुए कि कैसे एक औरत की इज्जत करी जाती है फिर केसेस होते हैं डोमेस्टिक अब्यूज के और Harassment के केसेस होते हैं बहुत ज्यादा तुमने अपने लड़कों को सिखाया ही नहीं है कहते हैं ये पेरेंट्स ही कहते हैं कि छोटे कपड़े मत पहनो बाहर मत निकलो कि बाहर सेफ ही नहीं है कैसे अलाउ कर दें वो वो डरते हैं कि कुछ हो जाएगा क्योंकि अभी से ऐसे ही चलता आ रहा है ऐसा ही होता है पर वो अपने उनको नहीं सिखाते वो मना करते हैं पर वो अपने लड़कों को नहीं सिखाते मेरी भी फैमिली थी मेरी फैमिली में ऐसा मुझे कहा नहीं जाता था कि आ, मतलब ऐसा इतना फोर्सफुली नहीं कहा जाता कि घर के काम करे या कुछ रोटी बनाना जैसे मेरी बहन को ही कहा जाता है कि रोटी बनाना सीख क्या क्या आप मेरे को ऐसे खड़े होकर सिखाया नहीं जाता कि रोटी बनानी है ठीक है जो कि हर फैमिली में होता है ठीक है इंडिया में बट मे में को मैं अपनी मम्मी को ये भी इस बात के लिए अप्रिशिएट करूँगा कि मेरी मॉम ने मुझसे कहा मुझसे कहती थी कि झाड़ू लगा पोछा लगा बर्तन धो ये लड़कियाँ की काम करे तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी मोम ने मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा सिखाया पर मैं पैदा ही उस एनवायरमेंट में हुआ था तो मेरी चीज़ सेक्सिज्म मेरे अंदर है अभी भी है मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में अभी भी है पर मैं उसके बारे में मैं उसको समझ रहा हूँ और ज़्यादा मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ऐसी चीज ना हो कि वही सेक्सिज्म अगर मेरी कोई मेरी कोई साथ की फीमेल हो मेरी बहन मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी मॉम उसके साथ हो तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ पर किसी और के साथ हो तो इट्स फाइन है मेरे दोस्तों ने कहा फाइन भाई ठीक है मेरे लिए ठीक नहीं है अभी भी ठीक नहीं है और मैं इस चीज़ को सहना भी नहीं चाहता लड़कियों के तरफ से भी ये थोड़ी गलत चीज़ हो जाती है कि लड़कियां भी कहती हैं कि गर्ल्स आर ऑल्सो लाइक कोई बात नहीं मैं आगे वो नहीं करना चाहती बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती है इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि उनके साथ और हरासमेंट होगी क्योंकि ये बात आगे नहीं बढ़ती है लड़कियाँ ऐसी चीज़ करके इन चीज़ों को सपोर्ट कर रही है कि जो उनके साथ हो रहा है हम लड़कियों को कुछ नहीं मानते यहाँ पर भी इंडिया में भी रेसिज्म भी मतलब के यहाँ पे ये ब्रिटिशर्स तो बहुत ज्यादा ये रेसिस्ट हैं ये तो ब्लैक्स के साथ भी हुआ था और इंडियंस के साथ जब ये इंडिया आए थे 200 साल रूल करके गए हैं दे वो रेसिस्ट वो हमें बहुत बेकार मानते हैं ये ब्रिटिशर्स ये कल्चर दिस कल्चर इज रियली शेट रियली शेट ठीक है इस कल्चर को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता बहुत बेकार है इट्स फाइन आई एक्सेप्ट इट के ओके बट आई डोंट लाइक इट एट ऑल इंडियन कल्चर में हम फीमेल्स uh, की पूजा करते हैं जैसे कि दुर्गा देवी काली माँ ठीक है इन सब अम्बा देवी जो भी हैं ये इन की हम पूजा करते हैं नौ देवी या नवरात्र इनकी पूजा करते हैं बट उसी जगह पे हम घर वालों को सिखाते नहीं है अपने बच्चों को सिखाते नहीं है कि कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है एक फीमेल को पीपल डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट द डॉटर्स पीपल डोंट नो टू रिस्पेक्ट दाइफ पीपल डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट द मॉम्स ये उन्हें सिखाया नहीं जाता है जिसके मैं बहुत अगेंस्ट हूं मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें ज़रूर सिखाऊंगा कि कैसे एक औरत की इज्जत करी जाती है कैसे सेफ फ़ील कराया जाता है कैसे कंफर्टेबल फील कराया जाता है कैसे अच्छी तरह बात करी जाती है कैसे ये समझा जाता है कि वो भी इक्वल है जैसे एक आदमी और औरत दोनों इक्वल हैं मैं एक फेमिनिस्ट के उससे नहीं बोल रहा मैं एक नॉर्मल सी चीज़ बोल रहा हूँ कि इक्वलिटी बराबर जब मेरे अपनों के साथ ऐसा हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा अदरवाइज आई डोंट केयर किसी के साथ क्या हो रहा है लड़की छेड़ दी ठीक है लड़का छेड़ लड़का तो लड़की छेड़ेगा और क्या है ना हो गया तो पी रखी थी यार पी रखी थी हो गया पीते पीते और इनके ऊपर ध्यान मत दिया करो ये तो ऐसे ही हैं ऐसे ही करते हैं लड़के तो यहाँ पे ऐसा होता है इट इज वेरी नॉर्मल बुलशेट जो कि बहुत बुरा हो रहा है जो कि बहुत बुरा है और मैं आ, एक मेरी फ्रेंड ने मुझे एक स्लोगन बताया था बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड तो आई वांट टू बी द चेंज आई वांट टू प्रैक्टिस दिस मैं एक वीडियो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अगर कोई देखे कोई भी एक या दो किसी को भी समझ में आए एक बंदे को भी समझ में आए तो आई एम एडुकेटिंग जस्ट वन मोर पर्सन ऑन दिस ठीक है एक और बंदा हो रहा है मेरे अलावा तो दैट्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम माय साइड आई वांट टू मेक दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो मैं खुद अपने अंदर ये चेंज लाऊंगा मैं खुद इस चीज को समझूंगा कि कैसे फीमेल को हरास करा जाता है इस बात से सभी एग्री करेंगे कि मेल सबसे ज्यादा हरासमेंट करता है फीमेल्स फीमेल्स के ऊपर सबसे ज्यादा हरासमेंट होती है फीमेल्स को सबसे ज्यादा हरासमेंट फेस करनी पड़ती है रात को नहीं घूम सकती छोटे कपड़े और आ, आ, बहुत सारी चीजें ठीक है जो कि इक्वालिटी नहीं है फ इन माई कंट्री दे आर नॉट इवन सेफ है यहाँ पे तो तुम क्लब्स में जाओगे तो ड्रग्स के इंजेक्शन डाल देते हैं तो पता भी नहीं चलेगा और फीमेल्स के साथ होता है ज्यादा क्योंकि फीमेल फीमेल जब अपना दिमाग खोएगी तो दे कैन डू मोर थिंग्स जब वो अनकॉन्शियस होगी जब वो ज्यादा चीजें कर सकते हैं उसके साथ विच इज नॉट इक्वालिटी तो मैं ये चाहूंगा इक्वालिटी को समझो इस चीज को प्रैक्टिस करो अपने बच्चों को सिखाओ मेरे साथ के जितने भी हैं मेरे इंस्टा पे या मेरे यूट्यूब पे वो मेरे साथ के ही जिनके बच्चे भी होने होंगे अपने बच्चों को ये सिखाओ क्योंकि मैं अपने बच्चों को ये सिखाऊंगा कि कैसे तुम्हें दूसरी अपनी बहन की अपनी मॉम की इज्जत करनी है कैसे उन्हें सेफ फील करवाना है टू क्रिएट Uh, a safe world for everybody to to create an equal world for everybody and to create that. And I will start I will be the change I want to see in the world. I I was just, I'm broken from inside because I experienced experience this and I want to talk about all this. आई सबको ये बात समझ में आई होगी या नहीं भी समझ में आएगी इट्स फाइन मैं समझा नहीं पाया होऊंगा मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस एवरीबडी इज इक्वल ऑल आर इक्वल मेल फीमेल रिस्पेक्ट योर मॉम योर वाइफ योर सिस्टर योर डॉटर रिस्पेक्ट इवन रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट स्ट्रेंजर्स एज वेल सभी के लिए सभी के लिए आदमी औरत सबको थैंक यू नमस्ते